5 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर बाहर के प्रांतों से वापस लौटे। इन प्रवासी मजदूरों ने लॉकडाउन के 2 महीने में अपनी रोजी गंवाई। अगर 200 रुपए प्रतिदिन के दर से भी जोड़ा जाए तो प्रति मजदूर 12,000 रुपए की राशि का इनका नुकसान हुआ है। इसके अलावा लौटने के लिए इन लोगों ने बस किराया 5,000-8,000 रुपए प्रति व्यक्ति परिवार के हर व्यक्ति का दिया है और छत्तीसगढ़ को गरीब कल्याण योजना से बाहर रखा गया है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और मांग करती है कि अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ के भी 5 लाख प्रवासी मजदूरों को गरीब कल्याण योजना का लाभ दिया जाए।